नमस्कार दोस्तों, ये है लोकल सोनी होम थिएटर का बोर्ड। तो दोस्तों, आज इसी के सारे कनेक्शन करने वाले हैं। इसमें 3 IC लगी हुई हैं 20-30 नंबर के। तो चलिए इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कनेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर के। इसमें 12012 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 2 एम्पियर का। देखिए बोर्ड में जो नंबर बाई नंबर 3 पिन बनी हुई हैं, तो इसी में इसके वायर लगेंगे। देखिए ये आगे का पोर्शन है, देखिए इसमें नंबर बाय नंबर वायर लगेंगी। जिसमें बीच वाली वायर है वो ग्राउंड है, जो कि नीले रंग की है, और 2 पीले रंग की हैं। तो इसको भी लगा लेते हैं। देखिए इसमें नंबर बाय नंबर 3 वायर लगा लेंगे, पीला नीला फिर पीला। तो ये 12012 ट्रांसफार्मर के वायर लग गए हैं। अब इसमें लगाएंगे स्पीकर के वायर। देखिए ये 4 पिने हैं आउटपुट स्पीकर के, और ये 2 पिने हैं जो लीड लगाकर इसमें बजाएंगे मोबाइल से उसके लिए। तो सबसे पहले इसका जो आगे का पोर्शन है, देखिए इसमें छोटा कार्ड लगा हुआ है, और इस तरह से इसमें कनेक्शन पहले से हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसके कनेक्शन करने के लिए। ये 6 पिन का सॉकेट है, तो इसमें 2 पिन और ये 2 पिन जॉइंट कर लेना है, 2-2 पिन करके। और सबसे पीछे जो ग्राउंड है उसको भी 1 वायर से जॉइंट कर देंगे। तो सबसे पहले जो आखिरी में ग्राउंड है उसकी 3 पिनें इकट्ठा जॉइंट करेंगे, क्योंकि 3 पिन हैं वो ग्राउंड ही होती हैं इस तरह से। उसके बाद में जो 2-2 पिन हैं ये साउंड के सेक्शन हैं, 1 IC से 2 स्पीकर बजेंगे। इसमें 4 स्पीकर बजते हैं, तो 1 IC से 2 स्पीकर बजेंगे। तो 2-2 पिन आपस में ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए इसके भी कनेक्शन हो गए हैं। उसके बाद में इसमें 3 वायर ज्वाइंट कर लेना है। काला वायर है उसको ग्राउंड में करेंगे, और लाल और कत्थई ये स्पीकर के लिए लगाएंगे। देखिए ये 2 वायर हैं वो 1-1 पिन में ज्वाइंट कर देंगे, 1 इसमें और 1 आगे वाले पिन में इस तरह से। ये दोनों स्पीकर के वायर हो गए हैं और 1 ग्राउंड का। तो चलिए इसको भी बोर्ड में लगा लेते हैं। इसमें जो वायर हैं, जो काले रंग का ग्राउंड का वायर है, उसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि उसकी ऊपर की जो ट्रैक है वो उछली हुई है। तो इसको ग्राउंड में कहीं पर भी ज्वाइंट कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। और जो स्पीकर के 2 वायर बचे हुए हैं, देखिए एक कत्थई कलर का और 1 लाल कलर का, तो इसको दोनों IC के 1-1 पिन में ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की सीरीज से लगे हुए हैं। देखिए इसको भी लगा दिया है। तो ये दोनों वायर स्पीकर को गए हैं। उसके बाद में 1 वायर ग्राउंड में लगेगी, 1 IC की पिन में। देखिए 1 वायर जो है वो, देखिए ये IC की, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। देखिए 1 वायर यहाँ पे लगाएंगे ग्राउंड में, और 1 लगाएंगे यहाँ IC की पिन में। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। देखिए 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। होम थिएटर के बेस के स्पीकर के दोनों वायर लगा दिए हैं। उसके बाद में 2 वायर लगा लेना है, 1 ग्राउंड का काले रंग का वायर और 1 प्लस 12 वोल्टेज के। देखिए डायोड के जो पट्टी बनी हुई है दोनों साइड में, देखिए इन दोनों वायरों में पट्टी, तो ये 12 वोल्टेज का करंट निकालेगी। तो 1 वायर इसमें लगा लेंगे, देखिए, तो उसको भी लगा लेते हैं। इसको सोल्ड कर लिया है। ये दोनों वायर हो गए हैं, 1 प्लस 12 वोल्टेज का और 1 ग्राउंड का। तो ग्राउंड का काला वायर है वो ग्राउंड में लगा देंगे, देखिए, जो कि वॉल्यूम के जो अर्थिंग है, तो ये ग्राउंड होती है, तो इसके ऊपर ही काले वायर को जॉइंट कर देंगे। और जो लाल वायर है प्लस 12 वोल्टेज का, तो वो लगाएंगे 7805 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके 1 पिन में। ये ट्रांजिस्टर का
बोल्ट कसा हुआ है, नट बोल्ट। और ये देखिए इसमें लगेगा, स्पिन में इसको लगाएंगे, देखिए स्पिन में लगाएंगे तो ये 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज बनाएगा। देखिए ये 7805 ट्रांजिस्टर इस तरह का होता है, जो कि प्लेट के नीचे कसा हुआ होता है इस तरह से, देखिए इस तरह से लगा होता है। तो इसके ये वाली पिन होती है 12 वोल्टेज, बीच की ग्राउंड और साइड के 5 वोल्टेज। देखिए ये 12 वोल्टेज में लगाएंगे तो ये 5 वोल्टेज अपने आप निकालने लगेगा, जो कि 5 वोल्टेज कार्ड में लगता है। तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं, देखिए इसको भी सोल्ड कर लिया है। देखिए ये हैं कार्ड की वायर, जो कि ऑडियो की होती हैं, जो कि पहले से ही वॉल्यूम में लगी हुई हैं। देखिए दो पिन ये जॉइंट हैं ऊपर ग्राउंड की, और दो सबसे नीचे जॉइंट हैं, जो कि एक लाल एक काली वायर, जो कि कार्ड के आउटपुट की होती हैं, तो पहले से ही जॉइंट हैं। देखिए दो पिन ये और एक बीच में खाली पिन, फिर उसके बाद में ऊपर दो पिन जॉइंट हैं, फिर एक उसके ऊपर ऑडियो के, ये दोनों ऑडियो के पिन हैं। तो इसको भी जॉइंट कर लेंगे, जो कि एक एक आईसी की अलग अलग पिन होती हैं, और एक ऑडियो की पिन लगेगी जो कि बेस का वॉल्यूम होता है। ये देखिए ये बेस का वॉल्यूम होता है, इसकी तीन पिन इसमें होती हैं, तो बीच वाली पिन इसकी ऑडियो होती है, जो कि तीन आईसी लगी हुई होती हैं, तो एक एक आईसी से एक एक ऑडियो जॉइंट होगी। तो चलिए इसके भी वायर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले बेस के दो वायर लगा लेते हैं, जो कि बीच वाला ग्राउंड है और साइड वाला आउटपुट का है। देखिए जो नीला वायर है वो आउटपुट का है, और जो आसमानी है वो ऑडियो है। तो चलिए इसको भी बोर्ड में जॉइंट कर देते हैं। देखिए ये दोनों वायर निकल कर आई हैं, ये आसमानी है जो कि ऑडियो है, और नीले रंग की है वो आउटपुट है। तो चलिए इसको भी जॉइंट कर देते हैं। देखिए ये होती है ऑडियो की वायर, जो कि आईसी से निकल कर आई है। देखिए ये आईसी की एक पिन से, देखिए ये निकल कर आई है यहाँ से, यहाँ यहाँ से देखिए ट्रैक होती हुई सीधे यहाँ से निकल कर यहाँ पर आई है। तो इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, जो कि आसमानी कलर की है ऑडियो की। इसको जॉइंट कर दिया है। अब दूसरी जो वायर बची हुई है, देखिए ये वाली, ये जो चार पिन की आईसी लगी हुई है उससे निकल कर आती है आउटपुट की, तो उसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। अब इसमें सिर्फ दो वायर बची हुई हैं, दोनों ऑडियो की। देखिए एक पीले कलर की और एक हरे कलर की वायर ऑडियो में लगाएंगे। देखिए सबसे नीचे का जो वॉल्यूम है उसकी पहली पिन और चौथी पिन दोनों ऑडियो की होती हैं, तो इसको इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब इसको बोर्ड में लगाते हैं, फिर इसको चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ यही दो कनेक्शन बचे हुए थे। देखिए ये दोनों ऑडियो की वायर हैं, जो कि दोनों आईसी के बेस में लगेंगे, एक ये बेस है और एक ये बेस है। देखिए दोनों बेस की वायर लग गई हैं, जो कि दोनों आईसी से निकल कर आई हैं, तो इसके कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको चेक करके दिखाते हैं। होम थिएटर को बिजली से कनेक्ट कर दिया है, देखिए इसमें लाइट है वो आ गई है। तो चलिए इसको एफएम मोड पर लगाते हैं, देखिए इसको लगा दिया है। देखिए इसका जो बेस है उसमें हल्की हल्की आवाज़ आने लगी है। अब इसमें स्पीकर के वायर कनेक्ट करके दिखाते हैं।
कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है।